भिंडी की सब्जी तो आपने कई तरह की खाई होगी। एक बार आप इस नॉन स्टिक की चटपटी मसालेदार भिंडी की सब्जी ट्राई कीजिए। आई एम श्योर ये आपकी फेवरेट बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। इस भिंडी को आप चपाती या पराठे के साथ सर्व करें या एज अ साइड विद दाल चावल भी ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 500 ग्राम्स भिंडी ली है। इसको अच्छे से वॉश करके फिर ड्राई करके मैंने अराउंड 1 इंच के पीसेस में इसको काट लिया है। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे अराउंड 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे भिंडी। अब इसमें जाएगा अराउंड 1 टेबलस्पून नींबू का रस। इस प्रोसेस से भिंडी का जो स्टिकीनेस होगा वो निकल जाएगा और हमारी भिंडी बिल्कुल नॉन स्टिकी बनेगी। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा इसका स्टिकी पार्ट सेपरेट हो रहा है। भिंडी हमारी सौटे हो गई है। अब हम इसको पैन से निकाल लेंगे और साइड पर रख देंगे। फिर उसी पैन में हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए पैन में डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून जीरा और 2 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई। प्याज को अच्छे से गोल्डन होने तक हम इसको पका लेंगे। ये देखिए, प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। जिंजर और गार्लिक की रॉ स्मेल जाने तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जिंजर और गार्लिक की रॉ स्मेल चली गई है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटे साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ और टमाटर को मशी होने तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं कुछ सूखे मसाले। यहाँ मैंने लिए हैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। सभी मसालों को अच्छे से आपस में कंबाइन कर देंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि हमारा मसाला जले नहीं। टमाटर भी मशी हो गए हैं और मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए, इसमें से ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे हमारी सॉटे की हुई भिंडी और सभी मसालों को भिंडी के साथ अच्छे से मिला देंगे। सभी मसाले और भिंडी आपस में कंबाइन हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। आपको जितना मसाला चाहिए आप उतना पानी डालिए। यहाँ मैंने इन टोटल 1.5 ग्लासेस ऑफ वाटर ऐड किया है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे रेसिपीज ट्राई करते हैं तो हमारे सोशल हैंडल्स पर हमारे साथ शेयर भी कीजिए। हमारे सोशल हैंडल्स के लिंक्स आपको स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पानी ऐड करने के बाद हम सभी मसालों को अच्छे से मिला देंगे और इसको ढक कर पका लेंगे। यहाँ मैंने टोटल 10 मिनट्स के लिए पकाया है। इसमें अभी भी पानी है तो मैं इसको और थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। तब तक हमारी भिंडी भी गल जाएगी और मसालों की रॉ स्मेल भी चली जाएगी। ये देखिए, भिंडी का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती के साथ। यहाँ मैंने फ्रेश कोरिएंडर ली है, उसको अच्छे से चॉप कर डाला है। भिंडी मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल नॉन स्टिकी बनती है। जल्द ही मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर।